Like my video, subscribe to my channel and click on the bell icon for more delicious recipes updates. नमस्कार, A1 रेसिपी विद माधुरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिल के चिक्की बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। उसके लिए सामग्री है, एक पाव हमने तिल लिया है, उसी नाप से हमने गुड़ लिया है एक पाव, एक चम्मच देसी घी और दो चार इलायची बारीक की भी। तो चलिए हम सबसे पहले तिल को रोस्ट कर लेते हैं। ये हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब ये गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम तिल डालते हैं। इसको बिल्कुल लो मीडियम गैस पे इसको रोस्ट करना है। एकदम हाई पे करोगे तो अंदर से तिल कच्ची रहेगी। अब इसको चलाते रहना है, अब इसका कलर चेंज होते तक इसको रोस्ट करना है। ज्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वापन मारेगा, चिक्की अपनी कड़वी लगेगी थोड़ी। इसको चलाते जरूर रहना है ताकि ये सब तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, इसको हम और एक दो मिनट सेकेंगे। गैस को बंद कर देते हैं, ये गर्म है कढ़ाई, इसी में हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर। देखिए ये तिल अपने रेडी हो गए हैं, अब हम इसको दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए अब हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं। गैस ऑन कर दी, सबसे पहले हम इसमें घी डाल देंगे। ये घी मेल्ट हो गया, अब हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। देखिए ये गुड़ हमारा पिघल चुका है, अब इसका कलर चेंज होने लगा है। इसको धीमे आंच पे ही पकाना है। ये देखिए गुड़ का बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, ऊपर जैसे झाग झाग सा आ गया। ये रेडी हो गया नहीं हो गया इसके लिए हम इसको पानी में डाल के देखते हैं। एक बूंद ऐसे इसको डालना है। देखिए इसकी ये गोली बन रही है और अच्छी टाइट बन चुकी है, इसका मतलब ये अपना ये पाक रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से इसको चेक करना है, ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें तिल डालेंगे। ये तिल डाल देते हैं इसमें, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये चिक्की बनाना आसान है, बस थोड़ा सा ये पाक का ही ध्यान रखना है किस तरह से बनाना है। कच्चा रह जाएगा तो ये कुरकुरी नहीं बनेगी, खस्ता नहीं बनेगी। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। गैस हमने बंद कर दिए, अब थोड़ी देर इसको ऐसे चलाएंगे। ये हमने एक थाली ले ली है, इसको उल्टी तरफ से हमने ये ग्रीस कर लिया है घी से। ये रेडी हो चुकी है, अब हम इसको उस थाली पे डाल देते हैं। अब हम इस पे डाल देते हैं थाली पे। ये हमने बेलन लिया है, इसको हमने थोड़ा घी लगा दिया है, अब हम इससे इसको सेट करेंगे। देखिए इसको हमने इस थाली पे पूरा फैला दिया है अच्छी तरह से। अब ये हल्की गर्म है इसलिए हम इसको थोड़ा कट लगा देते हैं, इस तरह से इसको कट कर देते हैं। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसके पीसेस निकालेंगे। चलिए अब ये ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए
देखिए इसी तरह हम ये सब पीसेस निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारी चिक्की रेडी हो गई है। देखिए कितनी ये खस्ता बन चुकी है, बिल्कुल टूट रही है ये। अब हम इसको दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। ये तिल की चिक्की बनके तैयार है। देखिए कितनी खस्ता बनी है ये। इसे बनाते समय ध्यान रखना है जितने तिल लिए हैं उतना ही गुड़ या शक्कर लेना है। और चाशनी बनाते समय ध्यान रखना है, चाशनी बनने के बाद उसको पानी में डालकर देखना है, उसकी कंचे जैसी गोली बननी चाहिए। चाशनी कच्ची रहेगी तो चिक्की खस्ता नहीं बनेगी। ये चिक्की बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसे आने वाली संक्रांति पर जरूर बनाइए, आप सबको बहुत पसंद आएगी।